हेलो दोस्तों, बेस्ट फीचर एजुकेशन चैनल में तुहाड़ा स्वागत है। अज की वीडियो में तुहानू दसांगे जेकर तुहानू पीएम किसान योजना अधीन 2000 रुपए की किस्त आ रही है तो तुसी घर बैठे ही अपने मोबाइल पर किस तरह चेक करना है ताड़ी किस्त आई है कि नहीं। इस तो अलावा जेकर तुसी ऑनलाइन फार्म भरया है तो तुसी अपने फार्म का स्टेटस किस तरह चेक करोगे, वीडियो में एंड तक जरूर देखना ताकि तुहानू चंगी तरह समझा सके। सब तो पहला दोस्तों तुसी गूगल क्रोम में सर्च कर लेना है pmkisan.gov.in। सर्च करने तो बाद तुहाडे सामने इस तरह का जो पेज ओपन हो जाना है, इत्थे तुहानू राइट साइड दिखाई देवेगा फार्मर कॉर्नर, तुसी इत्थे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने तो बाद तुसी नीचे मैन्युफैक्चरी स्टेटस तुसी इत्थे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने तो बाद तुहाडे सामने इस तरह का जो पेज ओपन हो जाना है, इत्थे तुहानू दोस्तों दस दिए तुसी जो अपनी डिटेल किस्त की डिटेल जो आधार कार्ड नंबर या फिर अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर भर के भी तुसी अपनी डिटेल चेक कर सकते हो, बट इत्थे असी जो आधार कार्ड नंबर भर के डिटेल चेक करांगे। तुसी इत्थे अपना जो आधार कार्ड नंबर भरना है, आधार कार्ड नंबर भरन तो बाद तुसी इत्थे गेट डाटा ते क्लिक कर लेना है। क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने जो तुहाडी पूरी डिटेल दिखाई देवेगी, इत्थे उपर तुहाडा जो नाम दिखाई देवेगा, तुहाडा जो मोबाइल नंबर दे चार अक्षर दिखाई देणगे, तुहाडा जो पिंड एंड तुहाडे जो अकाउंट नंबर, तुहाडी रजिस्ट्रेशन कदों होई सी वो डेट होवेगी। इस तरह जो ताड़ियां जो किस्त आ चुकिया ने वो पूरी डिटेल विच दिखाई देंगे, यानी कि साड़ियां जो पांच किस्त आ चुकिया ने, ठीक है जी। इत्थे तुसी डेट देख सकोगे जो कि 16 अप्रैल 2020 नूं आ चुकी है। इस तरह दोस्तों तुहानू एक होर गल दस दिए, बहुत सारे किसानों की जो पांचवीं किस्त ते रोक लग चुकी है, जेकर ताड़ी जो पांचवीं किस्त नहीं आई तो तुसी इत्थे देखोगे ताड़ा जो इनएक्टिव लिखा होगा, ठीक है। जिन्हां किसानां दी जो पंजवीं किस्त नहीं आई उन्हां दे इत्थे इनएक्टिव लिखा होगा, बट साड़ी जो पंजवीं किस्त आई है इत्थे एक्टिव है साडा, यानी कि साडा खाता चल रहा है। जिन्हां किसानां दे इनएक्टिव है उन्हां दा एक बार जो खाते ते रोक लग चुकी है। हुण दोस्तों तुहानूं दस्सांगे तुसी जेकर ऑनलाइन फार्म भरिया है तो तुसी अपने फार्म का स्टेटस किस तरह चेक करना है। तां दोस्तों सेम ही तरीके नाल सब तो पहला तुसी फार्मर कॉर्नर ते क्लिक करना है। क्लिक करन तो बाद तुसी तुहानू नीचे दिखाई देवेगा स्टेटस ऑफ सैल्फ रजिस्टर CSC फार्मर, तुसी इत्थे क्लिक करना है। क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने इस तरह जो पेज ओपन हो जाना है, तुसी इत्थे आधार कार्ड नंबर भरना है। आधार कार्ड नंबर भरन तो बाद तुसी इत्थे कैप्चरा कोड भरोंगे जो कि इत्थे तुहानू अक्षर दिखाई दे रहे ने। उस तो बाद नीचे तुसी सर्च ते क्लिक कर लेना है। सर्च ते क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने तुहाडी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, तुहाडा जो नाम होगा पिता का नाम, तुहाडे मोबाइल नंबर के अक्षर होणगे, तुहाडा अकाउंट नंबर एंड तुहाडा जो डिस्ट्रिक्ट एंड तुहाडा विलेज, इस तरह जो तुसी ऑनलाइन फार्म यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है तुहाडी जो डेट दिखाई देवेगी। इस तरह रिमार्कस यानी कि तुहाडा जो स्टेटस दिखाई देवेगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लैवल, यानी कि जो लगभग इस ऑनलाइन फार्म भरे गए ने उन्हां दा जो स्टेटस हजे पेंडिंग ही पिया है। इस तरह दोस्तों तुसी ऑनलाइन फार्मा दा इस तरह जो स्टेटस चेक करना है। बाकी दोस्तों तुहानू फार्मर रिलेटड तुहाडे मन अंदरों कोई भी विचार होवे तां तुसी कमेंट बाक्स विच जरूर पुछना, साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना ताकि तुहाडे तक आने वाली हर एक सरकारी नौकरी ते सरकारी योजना की वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।